बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आज हम एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है सर कि ये जो कनाडा का वर्क परमिट है, ये जब अप्रूव होता है तो हमें कैसे आइडिया होगा कि अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो डिफरेंट किसी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, उसको देखते हुए मैंने कहा जी आप लोगों को मैं बता दूँ सर इसका प्रोसेस क्या है कि आप कैसे, आपको आइडिया होगा कि मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स हैं। वेस्ट वीजे के अपने स्टेप्स हैं, इमिग्रेशन के अपने स्टेप्स हैं, स्टडी के अपने स्टेप्स हैं और वर्क परमिट के अपने स्टेप्स हैं। जो वर्क परमिट के स्टेप्स हैं मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कंफर्म होगा कि मेरा अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो हमारा नेक्स्ट जो सेमिनार होगा पेशावर में होगा, दिसंबर के मिड में हम प्लान कर रहे हैं। फिर हरिपुर और हर सिटी में इंशाल्लाह हम सेमिनार करवाएंगे। बट रिसेंटली जो मंडी बाउजी का सेमिनार हुआ, हमें उससे बहुत मतलब हमें दुआएं बहुत मिली है, कमेंट पढ़ता रहा था लोगों को, उसकी वजह से हमने कहा कि अब नेक्स्ट सेमिनार से हम डिफरेंट चीज़ में करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है हम हर शहर में जाएंगे जो, बट टाइम के साथ। आज का टॉपिक वर्क परमिट है। कनाडा के वर्क परमिट काफ़ी सवाल पूछते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम वहाँ पे जब हम प्रोसेस को समझने के बावजूद उसको हम फॉलो करने का हमारा माइंड नहीं है। हम कहते नहीं यार ये तो है, हमारा क्यों नहीं आया? तो उसको मैं क्लेरिफिकेशन देने के लिए आज आया हूं। नंबर वन, किसी भी कंट्री का वर्क परमिट, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और एक और कंट्री मेरा माइंड से निकल गया, इनके आजकल वर्क परमिट काफी चल रहे हैं। हर कंट्री का अपना एक प्रोसेस है, बट हर कंट्री जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, जो कंट्री का मैंने नाम लिया, इनका प्रोसेस सेम है अप्लाई करने का। एक तो आप माइंड में रखें कि दुनिया बहुत हमसे आगे है, डेवलप कंट्रीज हमसे काफी आगे हैं। उसका प्रोसेस ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, ना आपको कंसल्टेंट की जरूरत होती है, ना आपको एजेंट की जरूरत होती है। जिस तरह अरब ममालिक में आपके पास डिमांड आती है, कंपनी कफील डिमांड देता है एक कंपनी को, जो कि मुझे इस कंपनी से 20 लोग चाहिए। यूरोप में चीज नहीं है, रोमानिया में चीज है, बाकी कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में चीज नहीं है। वो क्या कहते हैं, इस पे मेरी बंडल ऑफ वीडियोस मैं बना चुका हूं। इस पे वो कहते हैं जी कि अगर आप जितनी भी अप्लाई करना है, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वेबसाइट्स हैं, जो मैं अपने सेमिनार में बता चुका था मैं कि गवर्नमेंट की अप्रूव वेबसाइट्स हैं जी, आपने अपनी सीवी बनानी है उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो बनाकर आपने आपने रेलिवेंट जॉब सर्च करनी है। जो सीवी में लिखा है अगर आप उससे रेलेवेंट जॉब सर्च करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। अब कुछ सीवीज की कुछ कंट्रीज के अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगते। मैं आपको मजे की बात बताऊंगा, हम पर्टिकुलरली कनाडा की बात करें, रिसेंट बैक में एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उनके थिंक टैंक ने अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि अगर आप लोग, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया और इमिग्रेशन को खासतौर पर, अगर आप लोग एक्सपीरियंस खत्म कर दें, आप आइल्स खत्म कर दें, तो बहुत से लोग हमारे जो लेबर शॉर्टेज हम कैनेडा फेस कर रहा है, एक ह्यूज किस्म की लेबर शॉर्टेज कैनेडा फेस कर रहा है, उसको खत्म करने में काफी हेल्प मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर एक्सपीरियंस खत्म कर दें डेफिनेटली के लिए, आज अगर एक्सपीरियंस के साथ 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट खत्म कर देती है तो 100 बंदा अप्लाई करेगा। इस तरह आइल्स की कुछ कंट्रीज कुछ कंपनीज मांगती हैं कि आइल्स अगर है तो आ जाए, कुछ कंपनीज नहीं मांगती। आज की जो सक्सेस स्टोरी के अंदर में जो मैं बात करूंगा आगे चलकर, इसकी ये हमने इसके वीजा कैसे अप्लाई किया, जॉब कैसे सर्च की, तरीके कार के हम आगे बताऊंगा आपको। तो कंट्री थिंक टैंक ने ये रिकमेंड किया अगर आप ये खत्म कर देंगे तो जो 50% लेबर शॉर्टेज सिस्टम कनाडा में, कम से कम 1.2 मिलियन जॉब्स मौजूद हैं, 12 लाख वर्कर की कनाडा को जरूरत है, तो ये मैक्सिमम शॉर्टेज खत्म करने का मौका मिलेगा। अब आपने सीवी बना ली, आपने कंपनीज को Job.bank है, इंडीड है, बहुत सी वो है वेबसाइट्स है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। आपने वहाँ जाके कुछ कंपनीज को ईमेल करनी है, कुछ कंपनीज का आपने फॉर्म फिल करके सेंड करना होता है, तो आपने वो सेंड करना है। आगे सिलेक्शन जो है वो ना तो कोई आप कंसल्टेंट करवा सकता है, अगर करवा सकता है तो उसकी डेफिनेटली वो सिस्टम डिफरेंट होगा उसका, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो तरीके का लीगल तरीके का ये है कि आप अप्लाई करते हैं कंपनी से, जो जो भी एचआर डिपार्टमेंट है वो अगर आपको सिलेक्ट करते हैं, तो दो तरह के कारण। नंबर वन, जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए जिसमें अप्लाई कर रहे हैं आप। जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन कंपनी के गवर्नमेंट की लिस्टेड कंपनी, आप वेबसाइट चेक करें कितनी पुरानी है, कितनी इंप्लॉयज है, कितनी इंफॉर्मेशन है उस वेबसाइट के ऊपर। नंबर टू, अगर जॉब ऑफर देती है आपको तो
तो जॉब ऑफर डेफिनेटली एक प्रोफेशनल किस्म का जॉब ऑफर वहाँ से उस कंपनी के डायरेक्ट ईमेल से आपके डायरेक्ट ईमेल में आता है। अगर तो आपको लेटर आ गया, और अगर लेट सपोज उन्होंने कॉन्टेक्ट किया ईमेल के जरिए, जी आप हम आपसे थ्रू ईमेल हमसे टाइम मांगते हैं, जी मैं आपकी इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ आपका, या मैं आपको विदाउट इंटरव्यू आपको वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो कंपनी की मर्जी, हर कंपनी के अपने रेगुलेशन हैं। कुछ कंपनीज हैं जो विदाउट इंटरव्यू सिलेक्ट करती हैं, जी ठीक है, जी सी वी आप सेंड कर दी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, जॉब फिर आपको आ गया, एग्रीमेंट आपको आ गया, तो सिलेक्टेड है। अच्छा, अब आपको सिलेक्शन होगी, आपकी सिलेक्शन के बाद आपको वो जॉब ऑफर लेटर देंगे। अगर आपको सैलरी, आपको उनकी जो है टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्टेबल है, तो बिल्कुल आपको ना वो लेटर, जॉब ऑफर लेटर लेकर, एग्रीमेंट लेकर आप अप्लाई करेंगे कैनेडा का वर्क परमिट। उसके वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए उसके एक प्रोसेस है। आप जो जो आपने जो एजुकेशन है, आपकी एक्सपीरियंस है, सब आपने फॉर्म फिल करना है, आपने सबमिट करना है। सबमिशन के बाद आपको बायोमेट्रिक लेटर आएगा। आपको बायोमेट्रिक लेटर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी आपकी फाइल के ऊपर, ठीक है जी। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी आपकी फाइल के ऊपर, अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे पहले आपसे मांगेंगे मेडिकल। ये सुनने वाली बात है यहाँ पे। अगर आपका कैनेडियन गवर्नमेंट या कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है हर बंदे का मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं करती, जिसको एक्सेप्ट करना होता है, जिसको वीजा देना होता है, उसका मेडिकल एक्सेप्ट करती है, उसको रिक्वेस्ट कर दीजिए आप मेडिकल करवा के लेकर। अब हो क्या ना, मार्केट के अंदर जैसे ही आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, उस साथ मेडिकल भी अप्लाई करवा देते हैं आपका। मेडिकल पहले नहीं आता जब तक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको लेटर ना भेजे। आए तरह मैं आपको सक्सेस तो ही दिखाता हूँ, और तो हम ये अलाउ तो नहीं दिखाना, बट मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाता हूँ कि ये डिटेल क्या है। आतिफ मेरे जो हमारे क्लाइंट हैं मंडी भावलदीन से, मुझे वो मंडी भावलदीन में मिले भी थे, और हमने आतिफ को जो है वो स्टोरी लिखी थी मैंने कि जिनका मेडिकल आ गया। इस तरह काफ़ी लोग मेडिकल आते हैं, बताते भी, बट अगेन इसमें आप देखते होंगे जित कंपनीज वो जितनी बड़ी कंसल्टेंट्स हैं वो वर्क परमिट सक्सेस स्टोरीज नहीं लगा सकते, लीगली अलाउ नहीं है। मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। मोहम्मद आतिफ जो है वो आप इसको देख सकते हैं जी, हमारा ये है जी मोहम्मद आतिफ मंडी बहाउद्दीन से। इनका वर्क परमिट अप्लाई किया हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। इनकी स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूँ, इनकी एज बहुत कम थी, ये एज कम है इसकी वजह से मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। इनका हमने केस, ये जी हमारा जो हमारा केस फाइल किया वो हीरा सलीम है जी, हमारे वर्क परमिट के इंचार्ज। इन्होंने हमने जो केस फाइल किया वो है, इनका हमने केस फाइल किया बायोमेट्रिक इनके हुए 17 मई 2022 को, बायोमेट्रिक हुए। आज भी देख सकते हैं बायोमेट्रिक लेटर है जी। डब्ल्यू का मतलब वर्क परमिट, W से वर्क परमिट का इसका मतलब है जी। अच्छा, अब आगे हमने इनका फिर जब हमने फाइल किया, केस सबमिट हुआ, तो इनको फिर एक और मैसेज आ गया जी कि आपका केस सक्सेसफुली सबमिट हो गया। आप देख सकते हैं जी, ये सक्सेसफुल केस आपका सबमिट हो गया ऑनलाइन, तो आपको मैसेज आता है। उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए आपको लेटर आता है जी। इनको मेडिकल एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन 29 अगस्त को इनको मेडिकल का लेटर आया। ये कंप्लीट मेडिकल लेटर है, ये आप देख सकते हैं कि इसको, ये जनाब मोहम्मद आतिफ, एज बहुत कम है इनकी, इनकी सिलेक्शन हुई है, और ये कंप्लीट डिटेल है इसकी जो मेडिकल में मांगी जाती है। इनका मेडिकल पर हुआ, मेडिकल के बाद इनको जनाब वो पहले हमने सेक्शन सेलेक्ट किया कि कहाँ पे इसके सेक्शन है, वहाँ पे किस जगह मेडिकल होना है। जब इनका मेडिकल हुआ तो इस्लामाबाद मारूफ सेंटर है जहाँ पे अप्रूव सेंटर है, वहाँ पे मेडिकल हुआ इनका। ये इनका कंप्लीट डिटेल है जो हमने जीसी की अकाउंट बनाया, हमने जो शेयर किया, जो कि सॉरी हम इसको कंप्लीट ये देख सकते हैं आप, जीसी अकाउंट में लिखा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुआ है, बायोमेट्रिक लेटर सबमिशन लेटर कन्फर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसमिशन, ये 29 अगस्त को इनका मेडिकल जो है वो हो चुका था। अब यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो ये कि जब इनका मेडिकल हुआ, मेडिकल कब होता है, जब अप्रूव के बस हम आप वीजा देने वाले हैं, प्लीज़ हमें अपना एग्जामिनेशन दें। अगर तो मेडिकल में फेल होते हैं तो फिर इनका कोई डिजीज़ निकल आती है, कोई प्रॉब्लम निकल आती है, तो फिर ये इनको रिजेक्ट कर देंगे। अगर मेडिकल में कामयाब हो जाते हैं, इनका मेडिकल पास हो जाता है, तो फिर इनको वीज़ा मिलेगा। अब यहाँ पे जो मज़े की बात आने वाला हूँ आपको, मैं आतिफ को मैं मिला, आतिफ को मुझे मिले वो मंडी बहाउद्दीन में, वहाँ पे मेरा शॉर्ट इंटरव्यू किया, तो मुझे उसका इंटरव्यू का मज़ा नहीं आया, चूँकि मैंने कहा क्लिप बना के लगाते हैं, उसको मज़ा नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सब जानते हैं मैं सिर्फ मंडी बहाउद्दीन में हूँ, मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी है आतिफ। मैंने स्टोरी भी कहा था कि इनका वर्क परमिट अप्रूव हुआ है, मेडिकल इनका हो चुका है, मेडिकल आप 13 की मेडिकल है ना आपकी 13। ये कैसे लोग जो कहते हैं कैनेडा का वर्क परमिट नहीं लगता, क्या कहेंगे इसके बारे में आप, जाए लोगों को बताएं जरा प्लीज़। सबसे पहले शुक्रिया सर, मैंने सर को फेसबुक से फॉलो किया है, और मैंने सर से अप्लाई करवाया ऑनलाइन कैनेडा वर्क परमिट के लिए,
तो सर ने मेरा अप्लाई किया, उसके बाद वर्क परमिट आ गया मेरा स्टेट बिल्डर्स की एज अ मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उसके बाद मेरे बायोमेट्रिक हो गए हैं और उसके बाद अभी मेरी जो है वो मेडिकल की अपॉइंटमेंट है और वो 13 को है। 13 को कैसा हुआ, कैसा लगा आपको प्रोसेस? बहुत अच्छा लगा है सर, की टीम ने जो है वो बहुत अच्छा मेरे साथ तआवुन किया है। जैसे जैसे मुझे चाहिए थी गाइडलाइन सर ने मुझे प्रोवाइड की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो मेडिकल आ गया और वो 13 को इंशाल्लाह मेडिकल। मैं मंडी बहाउद्दीन से सिटी से। बायोमेट्रिक ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। आपको डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे डॉक्यूमेंट साहब? जी मुझे सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जीसी अकाउंट वगैरह मुझे दिया गया है। तमाम डिटेल जैसे जैसे बाहर से आ रही थी वो सीधी मेरे पास ही आ रही थी। मुझे खुद मैंने ओपन किया सब कुछ, अभी भी मेरे पास अवेलेबल है, वो देखना भी चाहे तो वो देख सकता है। अब बताए हम लोग कैनडा वर्क परमिट से चोरी नहीं लगाते, लीगली अलाउ नहीं, वरना किसका दिल नहीं करता लगाने को। तो ये इसलिए हमने इसको आ चुके, मैं मंडी भाव में था और मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि अगर आतिफ है तो आज है, जो लेट आया ये तो ये एक हमारे पास है। अल्लाह पाक ऐसे ही सबको कामयाब करे, मेरी दुआ सबके साथ है। थैंक यू जी। तो जब आतिफ इस्लामाबाद आया मेडिकल करवाने के लिए तो गए मेरे ऑफिस आए, तो यहाँ पे उनके वाले साहब भी मौजूद थे, बड़े अच्छे डिस्कशन हुई कि वो पेरेंट्स के नेक्स्ट प्लान कर रहे थे कि हम पेरेंट्स को कैसे लेके जाऊँगा, भाई को कैसे ले जाऊँगा, तो हमने सारा उसको गाइड किया। अनफॉर्चुनेटली जब वो यहाँ बैठे हमारी बात स्टार्ट हुई, तो जब मैंने माइक उनके हवाले किया तो उसने माइक पे यहाँ ऑफ का बटन लगा हुआ, उसने वो माइक ऑफ बटन दबा दिया और जो हमारी कन्वर्जेशन थी वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हुई उसके अंदर टेलीफोन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मंडी बहाउद्दीन के सेमिनार से पहले स्टोरी लगाई थी मैंने कि हमारे एक दोस्त का, हमारे क्लाइंट का, भाई का, मोहम्मद आतिफ का वर्क परमिट अप्रूव हुआ और फिर हमने इनको मंडी सेमिनार में बुलाया भी है। तो मुझे ये सेमिनार में लेट मिले, फिर हमने मुझे सेपरेट रूम में मिला, मुझे हमने शॉर्ट इंटरव्यू किया इनका, वहाँ पे आप थे वहाँ पे मौजूद। तो खैर आज मेडिकल था इनका। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैंने सर को फेसबुक से फॉलो किया और मसलसल इनकी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर फेसबुक पे, तो मैंने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया कैनेडा के लिए। तो सर ने मेरा ऑनलाइन वर्क अप्लाई किया और मेरी एज अ मैनेजर की जॉब थी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो वहाँ से जो है वर्क परमिट आ गया। उसके बाद सर ने मेरे बायोमेट्रिक करवाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो चला गया था, दोबारा बनाना मुश्किल था हमारे लिए। अब बताएं पाकिस्तानबाद में लोग मतलब स्पेशली तो नहीं आएगा मेरे लिए, वो तो वो चला गया वहाँ पे। तो इसकी वजह से मुझे आज एक क्लियरिफिकेशन देनी पड़ रही कि जी वो आया था दिखाया। आतिफ की सिलेक्शन जो है वो 3 to 4 months में हुई। अगेन नाइल सिर्फ केस पॉज करवाया, नाइल ने जॉब अप्लाई किए कंस्ट्रक्शन कंपनी में, इसकी सिलेक्शन हुई, कंपनी डिटेल बनाई, हमने अप्लाई किया, अल्लाह पाक ने कामयाब किया। अब पॉइंट ये गाइज कि अगर आतिफ सेलेक्ट हो गया इस पॉज के जरिए तो और भी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। सिलेक्शन कंपनी के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। हाँ अगर कोई जानने वाला आपके वहाँ पे कैनेडा में है वो आपको जॉब ऑफर दे सकता है तो ले लें, इसमें ना आइट्स दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं जी आइट्स जरूरत होता है लीमिया। सर कोविड में मैं वीडियो बना चुका हूँ, कोविड के दौरान आइट्स और लीमिया कुछ ऑक्यूपेशन में ख़त्म कर दिया गया है। तो ना आतिफ ने आइट्स दिया ना लीमिया अप्रूवल दिया, ये लेटर आ गया इसका, हमने अप्लाई करवाया, सिंपल से लेटर इसका आया। सॉरी मैं वो दिखा ही सकता क्योंकि वो डिटेल्स हैं कंपनी की, वो सिंपल सा वीज़ा उसका हमने केस पॉज किया, अल्लाह पाक ने करम किया उसका मेडिकल आ गया, मेडिकल भी उसका अपलोड हो चुका है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों में इसका पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ जाएगी और उसको कैनेडा का 2 years का वर्क परमिट मिलेगा। इस तरह बेतहाशा लोग हैं, जो कि एज ज़्यादा थी उनका प्रूफ हुआ बट हम शेयर नहीं कर सके क्योंकि इसकी एज कम थी। और मेरी बहुत एक फैसिनेटिंग चीज़ थी कि एज कम के भी लोगों ने लिए अप्रूव हुए हैं, तो उनमें से ये शहजादा जो है वो सब कामयाब हुआ है। मेरी दुआ है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, अल्लाह पाक उन कामयाब करे। बट ये लीगल प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।